जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैंने एक वीडियो डाली है चेकिंग विधि, वो तो मैंने विनती करने के लिए बताया। उसमें आप वो काम भी कर सकते हैं, 100% कारगर है। एक और विधि बताने जा रहा हूँ, किसी को उससे नहीं मालूम चलता है तो इस विधि से मालूम चल जाएगा, या इस विधि से मालूम नहीं चलता है तो उस विधि से मालूम चल जाएगा। इसको बोलेंगे हम चेकिंग विधि 2। वो चेकिंग विधि थी, ये चेकिंग विधि 2 है। आपके घर में आपके साथ कौन सी देवी देवता, कौन सी नेगेटिव शक्ति है, आपको मालूम चल जाएगा इस विधि से। आपको करना क्या है, आपको 5 दिन तक ये काम करना है। जिसको दर्शन में देखना है, जिसको रात को स्वप्न के माध्यम से ये चीज़ें पता करनी है, वो करेगा एक काम। रोज रात को एक लोटा लेगा जल, साफ लोटा, साफ जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और साफ जल और थोड़ी सी हल्दी डाल लेगा उसमें। हल्दी थोड़ी सी, दोबारा सुन लो सही से, क्योंकि ये सही से करोगे तभी पता चल पाएगा। एक लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल, साफ जल, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे, ठीक है। और हाथ में, दोनों हाथ में वो लोटा रख के जब सोने जाएंगे उस समय की बात है, विनती करेंगे कि बजरंगबली महाराज, भगवान हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज और मैं अपने घर के कुल देवी देवता और पितरों से विनती करता हूँ, कृपया करके मुझे स्वप्न के माध्यम से बताइए मेरे साथ कोई शक्ति चल रही है, मेरे घर में कोई शक्ति है, हमें बचाती है कि नहीं बचाती है, कौन सी है, स्वप्न के माध्यम से बताइए। या फिर आप ये बोलेंगे कि घर में कौन नेगेटिविटी है, कौन सी नेगेटिविटी है, किसी ने क्रिया करी है तो किसने की है और किस पर की है, उसका क्या असर है, वो कैसे जाएगी, इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और कृपया स्वप्न के माध्यम से मुझे बताएं, मैं ये जल दान आपको करता हूँ, स्वीकार करें। और ये जल आप अपने सिरियाने रख के सो जाएंगे, 5 दिन तक ये काम करेंगे। और सुबह उठ के इस जल को किसी भी पेड़ में दे सकते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज का नाम लेके। ये आपको काम करना है 5 दिन तक। 5 दिन में आपको स्वप्न में दर्शन हो जाएंगे उस चीज़ के, वो पूरी चीज़ आपको डिटेल में मेरे को लगता है मालूम चल जाएगी। आप डिपेंड करता है किस पर, आपके जो मन से आपने भक्ति से श्रद्धा से भाव से जो विनती की है उस पर डिपेंड करता है। मैंने चेकिंग विधि वाली वीडियो बनाई थी जो पहली, उसमें सिर्फ विनती थी, लेकिन ये साथ में क्रिया भी है छोटी सी, ठीक है। ये आप करेंगे, जो ये नहीं कर सकते वो उसे करें, वो नहीं कर सकते वो इसे करें, जिसको इससे नहीं मालूम चला वो भी करें, जिससे उसको नहीं मालूम चला वो ये भी करें। वैसे एक ही बार से, एक ही विधि से काम आपको हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। अब ये भी नहीं है कि आप रोज़ की रोज या हर एक काम खत्म हो फिर दोबारा पूछने लगे तीसरी बार, ये महीने में एक बार इस विधि को करना है, आपको मालूम जरूर चलेगा। इन 5 दिनों के दौरान ही ये काम करने पे आपको स्वप्न में अनुभव हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, नहीं तो 11 दिन के अंदर पास चल जाएगा, लेकिन मालूम जरूर चल जाएगा, जरूर चलेगा पता। तो ये विधि उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें बताने के लिए कोई क्वेश्चन या आंसर वाली चीज़ नहीं रह गई है। उस रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हनुमान जी का नाम लेके सोना है, हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है, ठीक है। और उम्मीद है कि सात्विक खाना खाते ही होंगे आप, क्योंकि आप बालाजी की कृपा चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सात्विक ही खाना खाते होंगे, सात्विक ही चीज़ें करते होंगे, सात्विक तरीके से ही रहते होंगे। तो जिन जिन दिनों विधि करनी है, चेकिंग 1 विधि वाली और चेकिंग 2 विधि वाली, कोई सी भी विधि, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन ब्रह्मचर्य, 11 दिन कर रहे हैं 11 दिन ब्रह्मचर्य, और ये वाली लोटे वाली जो विधि कर रहे हैं आप, तो 5 दिन करेंगे ये भी ब्रह्मचर्य का पालन होगा। अगर लेडीज़ है तो वो भी करेगी, जेंट्स है, लड़का है तो वो भी करेगा, तब कारगर सिद्ध होगी ये, क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है। इस विधि को करना और आप सब मुझे बताना कि चेकिंग विधि 1 और चेकिंग विधि 2 किससे आपको आराम मिला, किससे आपको मालूम चला, किससे आपको रिजल्ट मिला, किससे आपको जवाब मिला, संकेत मिला, किससे आपको सब पता चल गया, आपको खुद पता चलेगा। किसी भगत से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये करिए आप और फिर मुझे बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।